हरियाणा गो सेवा आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने आज अपना पदभार संभाला। इस अवसर पर पंचकूला में हुए कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर नवनियुक्त चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि हरियाणा में बेसहारा घूम रही गायों को लेकर नई पॉलिसी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नस्ल की गाय का दूध गुणों से भरपूर है और विदेशी गायों के दूध में कोई गुण नहीं है, इसलिए पशुपालकों को भी भारतीय नस्ल की गायों के पालन पर जोर देना चाहिए। भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, साहीवाल है, गिर है, हरियाणा है, थारपारकर है, वह अन्य नस्लें हैं, उसका ए टू मिल्क है। जिस गाय के ऊपर वो ठुई जैसा स्थान होता, ऊपर से उभरा हुआ स्थान है, वो गौमाता भारतीय गौवंश की है, उसका दूध ठीक है। और जो विदेशी गाय माता गौ है, विदेशी गाय है, उसका जो सपोर्ट जिन्हें रहता है उसकी जगह, उसका ए वन मिल्क है। विदेशों के अंदर वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हो गया कि वह जहर के रूप में कार्य करता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आजकल के समय गाय की नस्ल सुधार की तरफ ध्यान देने की जरूरत है ताकि दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही और गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल, ये जरूरी है कि बीच में एक ऐसा टाइम आया कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, नस्ल सुधार की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, और उसकी वजह से काफ़ी जो है प्रदेश में जो गाय की नस्ल जो है वो ख़राब हुई उसकी वजह से। तो उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। गाय यही गाय है जहाँ अच्छी गाय है वो अभी 10-12 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो तक भी दूध देती है देसी नस्ल की गाय, और कहीं भी इस प्रकार की भी है जहाँ 2 किलो तक देती हैं। तो उसके सुधार करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। श्रवण जी की पहले से ही मन में है ये बात, मैंने कही ऐसा नहीं, श्रवण जी ने पहले से इस पर विचार कर रखा और निश्चित तौर से इस पर काम करें।